नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। दोस्तों, कंगना पर दूसरे वार की तैयारी, ड्रग्स केस की जांच करेगी मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिला। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया। उन्होंने कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर इस मामले को उठाया। अध्ययन सुमन ने अपने इस इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने का दावा किया था। दोस्तों, उधर दूसरी साइड कंगना रनौत की मां आशा रनौत अपनी बेटी के समर्थन में आ गई है। वो कंगना का पूरा सपोर्ट कर रही है। उनका कहना है कि कंगना सच बोल रही है, वह देश की जनता उनके साथ है। शिवसेना ने उनकी बेटी के साथ गलत किया। उनसे हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। शिवसेना ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उनका कहना है कि कंगना ने उद्धव ठाकरे को तू बोला इस भाषा को लेकर FIR हुई है। इस सवाल पर आशा रनौत ने कहा, जहां पर FIR हुई है वो लोग भी तो देखेंगे कि किस नेता ने कंगना को क्या बोला। मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकती, कैसे बोलूं मैं, मेरी बेटी है वो, उसको शर्म आनी चाहिए जिसने इतनी गंदी बात मेरी बेटी को बोली। क्यों बोला उसने, पूछो उसको, जनता पूछ रही है शिवसेना क्यों सोई हुई है, देखते हैं क्या होती है FIR। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बुधवार को कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही BMC ने पाली हिल्स स्थित उनके दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। BMC की इस कार्यवाही के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगाई। दोस्तों, BMC के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे लगता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। देश दुनिया की ऐसी ही नई ताज़ा खबर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 HR। धन्यवाद।